आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्रेप में। तो आज अपन बात करेंगे नीट क्या होती है, नीट क्या होती है, या फिर आप सोचते हो कि डॉक्टर कैसे बने, तो उस बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अपन इस बारे में जानेंगे कि नीट क्या होती है, डॉक्टर कैसे बने, डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या सिलेबस है, क्या करना होता है, तो उस बारे में अपन पूरी जानकारी लेंगे। तो डॉक्टर बनने के लिए अपन को नीट का एग्ज़ाम देना होता है। तो नीट क्या होती है इसके बारे में अपन जानेंगे, इसका क्या सिलेबस होता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, कितना शुल्क होता है, कितनी एज लिमिट होती है, इन सब के बारे में अपन जानेंगे। तो नीट की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, एनटीए इसको ऑर्गेनाइज करती है। और पहले इसका नाम था AIPMT, ऑल इंडिया पैरा मेडिकल टेस्ट, और इसको 2007 से ऑर्गेनाइज किया गया था। तो अपन ने देख लिया नीट की फुल फॉर्म क्या होती है, नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता था एनटीए के द्वारा, इसका पहला नाम था AIPMT और इसको 2007 से चालू किया गया था। अब अगले देखेंगे नीट एग्ज़ाम किस किस के लिए दिया जाता है। तो नीट एग्ज़ाम MBBS, BDS और नर्सिंग कॉलेज के लिए दिया जाता है। किस किस के लिए, MBBS, BDS और नर्सिंग। अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो आपको सबसे पहले MBBS मिलेगा, फिर उससे नीचे अगर कम होंगे तो BDS, और फिर उससे भी कम होंगे तो आपको क्या मिलेगी, नर्सिंग मिलेगी। तो नीट एग्ज़ाम कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, नीट UG और नीट PG। तो अपन इस वीडियो में बात करेंगे नीट UG की। तो पहले अपन इन दोनों के बारे में जान लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो नीट UG 12th के बाद दी जाती है, किसके बाद, 12th के बाद दी जाती है, इसको बोलते हैं नीट अपर ग्रेजुएट। तो 12th के बाद इसको दिया जाता है। और अगली अपनी नीट PG। तो नीट PG में यहाँ पर ये कब दी जाती है, ये दी जाती है अपने प्री ग्रेजुएट होने पर, कब दी जाती है, प्री ग्रेजुएट हो जाते हैं अपन तब नीट PG का एग्ज़ाम दिया जाता है। तो अब अगली इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो अपन देखते हैं। तो आपके 12th में बायो सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए 12th में, प्लस आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए, 17 से 25 ईयर के बीच ही होनी चाहिए। इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए, 17 से 25 के बीच। और इसके लिए नीट सिलेबस क्या क्या है, नीट सिलेबस है अगर आप 11th 12th की अच्छे से तैयारी कर लें तो आपके नीट कवर हो जाती है। तो नीट में 11th का 60% कोर्स आता है और 12th का 40% कोर्स आता है। तो नीट में याद रखना, नीट सिलेबस में 11th का 60% कोर्स आता है और 12th का 40% कोर्स आता है। तो अब आगे चलते हैं। तो इसमें तीन सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स में 45 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के भी 45 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन आते हैं, जूलॉजी के 45 और बोटनी के 45। और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, जो 4 नंबर का होता है। तो फिजिक्स होगी 180 नंबर की, केमिस्ट्री होगी 180 नंबर की, बायोलॉजी में जूलॉजी और बोटनी दोनों होगी 360 नंबर की। तो टोटल हो गया 720 मार्क्स। तो टोटल पेपर होता है अपने 720 मार्क्स का, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होता है, 4 मार्क्स का होता है, और इसमें माइनस मार्किंग होती है 1/4 की, और टाइम पीरियड होता है 3 ओवर। टाइम पीरियड क्या होता है, 3 ओवर होता है, मतलब 3 घंटे होते हैं। तो इसमें कट ऑफ कितनी होती है, तो कट ऑफ में आपके बता देता हूँ, 2021 के हिसाब से कट ऑफ 450 से 500 गई थी OBC की, 500 से अपर गई थी जनरल की, और 400 से 450 गई थी SC की। तो अब इसके अगली वाली वीडियो में अपन नीट के ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज के बारे में जानेंगे, नीट के लिए कौन से बेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज है उनके बारे में अपन जानेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।